हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग तो बिल्कुल भी नहीं है, अब तो 4 बज गए हैं. आई वोक अप, आई मैंने कल शावर किया था, बट मैंने आज बाल डायसन किए हैं. ये देखें, मेरे डायसन का रिव्यू शायद बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद ना आए, सो आई एम अ बिट स्केप्टिकल कि मैं करूँगी रिव्यू कि ना करूँ. सो आई विल रिव्यू इट, सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स इफ़ यू वॉन्ट टू रिव्यू. बट दिस इज़ माई डायसन हेयर. और अब बस थोड़ा सा मेकअप करते हैं, चाय पीते हैं, और फिर जो है आज एक बड़े मज़े की एग्जीबिशन है. बेसिकली इट्स द लोक बिरसा एनुअल फेस्टिवल और समथिंग लाइक दैट, सो वी आर गोना गो देयर. आई जस्ट आस्क माई मदर इन लॉ अगर वो भी जाना चाहें, तो सामा भी ऑफिस से आ गया है, सो आई एम थिंकिंग कि वहाँ चलते हैं. एंड वी नीड टू गो शॉप अ लिटल बिट, वी कैन जस्ट आप लोगों को दिखाएंगे. और मैं बेसिकली, मतलब आई डोंट वॉन्ट अ शॉप एट ऑल, बट मैं बेसिकली जा इसलिए रही हूँ क्योंकि क्यों जा रही हूँ, हाँ, क्योंकि मुझे कुमार भाई, जो मैं जिनसे खुद से लेती हूँ द मलाई खुद से, वो उन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ था कि ही इज़ कमिंग फॉर द सिंध पार्ट. मतलब लोक बिरसा में ना 4 बने होते हैं प्रोविंसेस के, तो जो सिंध पार्ट में है, आई थिंक ही इज़ ब्रिंगिंग हिज स्टॉल ओवर देयर. वाओ गाइस, आई लुक ब्यूटीफुल, डोंट आई? सो ही इज़ ब्रिंगिंग इट इन द सिंध साइड. सो आई वॉज लाइक, ओके, आई रियली नीड टू गो, वन टू सपोर्ट हिम बिकॉज ही ऑलवेज मैसेजेस मी. वो जहाँ जहाँ आ रहे होते हैं, और इस्लामाबाद में यूजली वो लोक बिरसा पे ही आते हैं, तो आई रियली वॉन्ट गो एंड बाय अ फ्यू. एंड वैसे भी मेरा जो खुद से हैं उनके, अगर मैं आपको हाल दिखाऊँ तो आप, यू वुड प्रॉबली बी लाइक, ओ माई गुडनेस, कहाँ हैं, पता नहीं भी हैं भी कहाँ. बट देर ऑल ब्रेकिंग एंड देर ऑल बिकॉज आई हैड देम फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स. एंड सम ऑफ यू सेड कि आपने ये क्यों नहीं पहना दावत पर, ये वाला, ये मुझे उस दावत के लिए थोड़ा सा लाइट लग रहा था. एंड देन उसी वक्त मेरा शीन स्टूडियो वाला येलो आ गया था, तो फिर मैंने वो पहन लिया. आई काइंड ऑफ वांट टू वेयर दिस टुडे, बट इट्स सो कोल्ड आउटसाइड. मैंने लिटरली अपने कपड़ों के ऊपर उसामा की हुडी लेके पहनी है, बिकॉज बाहर इतनी ठंड होगी, इतनी ठंड होगी, इतनी ठंड होगी. और मैं कुछ लेजी भी हो रही थी, मैंने कमरे में बहुत ज़्यादा कपड़ों की ऑर्गेनाइजिंग करनी थी. और वो आपको पता है, वो जो चीज़ हो जाती है वेयर यू टेक देम आउट, लाइक आप दराज साफ करो अलमारी और आप निकाल लेते हो, एंड देन यू आर टायर्ड जस्ट फ्रॉम द निकालना पार्ट. तो मैंने वो अब कर दिया कि वहाँ भी निकले पड़े, यहाँ भी निकले पड़े, एंड नाउ हैव टू ऑर्गेनाइज देम. एंड आई एम लाइक, ओ माय गॉड. और अब उसामा ऑफिस से आ गए, तो सामा लाइक, बेगम अभी टाइम है, हो आते हैं. सो या, एनी वे गाइज, माई डायसन रिव्यू विल कम सून, बट आई एम श्योर यू कैन टेल फ्रॉम माई एक्सप्रेशन आई एम नॉट हैप्पी विथ इट. बट इन डेप्थ रिव्यू आपको ज़रूर मिलेगा मेरे ही चैनल पर, मैं आपको दूंगी. बट या, आई एम जस्ट लाइक, आई डोंट नो, खैर रिव्यू में बात करेंगे. अभी बस जल्दी से तैयार होती हूँ, थोड़ा सा अपने आपको जगाती हूँ. आई डोंट नो व्हाई आई एम अ बिट टायर्ड टुडे, आई थिंक द पार्टी काइंड ऑफ ड्रेन्ड मी अ लिटिल बिट, इट शुडंट हैव, बट थोड़ा सा सो थोड़ा सा थकन हुई हुई है, बट इट्स ओके. हम अभी अपने आप को फ्रेश करेंगे, अच्छे से कपड़े पहनेंगे, एंड देन वी शैल गो. ओके गाइस, आई एम रेडी, दिस इज माई न्यू जैकेट, माई फर्स्ट टाइम वेयरिंग इट, एंड देन ऑल ब्लैक, एंड माई डायसन हेयर जो मैंने आप लोगों के सामने 15 मिनट पहले किए थे. This is the condition of it, so I don't even know at this point. I honestly just don't know. Mama's like, you're too quick to judge. Thoda wait karo. But mujhe pata hai na, main just anyway. We will do a full in-depth review. Anyway, this is my look, guys. Musama thinks ki mujhe ek moti jacket bhi rakh leni chahiye. Iske upar bahut hi cute ye tribal si kadhai hui bhi hai. Perfect for the occasion, I guess. Makeup aapko flip kar. This is the makeup. As usual, mera peachy pink makeup. Nothing fancy. ये लेंजेस का आप लोग बहुत पूछ रहे थे. आई ओनली यूज फ्रेश लुक प्योर हेजल, फ्रेश लुक प्योर हेजल, जस्ट लिटिल बिट ऑफ मस्कारा एंड दैट्स इट. मैं तो आज आईब्रोज भी नहीं किया, बट इट्स ओके, रात का ही टाइम है, बहुत अंधेरा हो गया, 5 बजे अंधेरा हो जाता है गाइस. सो एनीवे, हम चलते हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट्स गेट गोइंग. आई फील लाइक इस्लामाबाद इज ऑल्सो गेटिंग स्मॉगी, कैन यू सी इन द एयर, आई थिंक इट्स गेटिंग वेरी वेरी, कितनी बुरी बात है. वी आर हियर, लुक्स क्वाइट फैंसी, बहुत आवाम आई हुई है. ये टिकट्स का हाल देखे, पता नहीं नीचे क्यों पिंकी हुई है ऐसे, वेरी बैड. बट खैर, हम पहुंच गए हैं, अभी अंदर जा रहे हैं, बस टिकट से सामान लेने, कलेक्ट करने गए. वी आर जस्ट यहाँ पर, ये लोक मेला 2024, द फोकसिंग ऑन द यूथ ऑफ पाकिस्तान, दैट्स वंडरफुल. सो आई हैव कम, मैंने कहा आप लोगों को भी आज थोड़ा कुछ डिफरेंट माहौल दिखाया. आ जाओ सर, चलें चलें, लेट्स गो. ओके, वी मेड इट इनसाइड क्वाइट अ लॉट ऑफ स्टॉल्स. अब ढूंढते हैं कि हमें क्या समझ आती है, क्या सेंस बनती है किस चीज़ की. हाँ, आते ही हाथ पड़वा लेते हैं, like those, those are very nice. हाय, वो पोटलियाँ देखिए कितनी क्यूट है, घर की चीज़ों का भी सामान है, लॉट्स ऑफ डिफरेंट इंटरेस्टिंग थिंग्स. द वाइब इज नाइस, इट्स अ नाइस वाइब, आई लाइक इट. हाँ, सारे वही हैं, कुल्फी सारे शीशे लगा के. हाँ, नाइस, थोड़ा सा घूम लेना, फिर पीते हैं, फिर खाते. हाँ, फिर खाते. गाइस लुक हाउ ब्यूटीफुल,
हाँ वाकई पूरा काम ही है, मशीन का लेकिन है वाकई काम ही। और कितना मजे का कलर, ये भी बहुत प्यारा है, 50,000 क्योंकि काम हुआ हुआ सामान। लेकिन इसके भी काम बहुत ही मजे का प्यारा, ये देखें। हाँ वेरी नाइस ट्राइबल काइंड ऑफ। नहीं नहीं इतने नहीं खोलो भाई, इतनी मेहनत नहीं करो, इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव दो, लाइक यू सेइंग ये 50 की है पूरी, क्योंकि ये पूरा काम हुआ हुआ है, और ये 25। हाँ वेरी नाइस, ओके ओके ओके, आई एम कीपिंग माई बैग से। गाइस ये भी बड़ी क्यूट है, मैं तो ऑनेस्टली इनकी जैकेट्स और कपड़े बना लूँ, रास्ता स्टाइल क्लोथ्स आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस, सो कूल, वेरी नाइस। गाइस मुझे ये इतनी अच्छी लगी, मगर हाँ हाँ ये नहीं, वो उसका प्रिंट अच्छा था ना, देखो चलो ये थोड़ा बड़ा करके दे, नहीं बड़ा नहीं होगा, थोड़ा करके दे ना, नहीं होगा मुझे पता, हो जाएगा ये सही है। Guys, it's a full on mela, like proper jo in real words mela hota hai na, it's a mela and I love it, like I haven't been to such a thing in so long and I'm loving the vibes and the energy of the people, there's like students aaye hue hain, log aaye hue hain, golgappe kha rahe hain, matlab shopping ho rahi hai, aunties ki bargaining chal rahi hai, yahan pe koi shawls khareed rahe hain, it's like amazing, I love it, everyone's look, that girl's in agarara, how lovely, I just love the energy. मैं भी वैसे अपनी तरफ से बड़ा तैयार होकर आई थी, बट इतना तैयार नहीं हूँ जितना वैसे लोग यहाँ हुए हैं, विच इज़ एपिक, लव दैट। अम्मा अंदर चली गई हैं, शॉल निगोसिएशन चल रही हैं अंदर, मैंने कहा आपको तब तक बाहर से दिखा दूँ, उनको वो इस तरह की कोई फुलकारी वाली अच्छी लग रही है, मैंने कहा आप देखें मैं जब तक बाहर का टूर दिखा दूँ, मैं ये सामने एंटीक वाले पर, आप उनके साथ रहो, ओके गाइस मुझे सामने एक एंटीक वाला नज़र आ गया, खुस्से वाले भाई मुझे अभी तक नज़र भी नहीं आया, मैं उनको फ़ोन करती हूँ कि वो कहाँ हैं, बट यहाँ चलते हैं अंदर। देखिए अम्मा की शॉपिंग तो हो गई है, इतनी शानदार किस्म की, एक शॉल आ गई, एक सूट है, सूट बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, हाँ मैंने पहना ये ग्रीन सी, बल्कि काफी सिमिलर ही हो गया, अब हम सेम पहन लेंगे, और शॉल भी बहुत स्टाइलिश है, मैंने सिर्फ इसलिए ली, मुझे लग रहा है मुझे गर्दन भी चुभेगी, मैं वापस निकलने तक सोचती हूँ, फिर शायद मैं ले जाऊँ, फिर दोबारा कौन आएगा, नहीं नहीं अभी, हाँ अभी पहनती हूँ, वरना मुझे ना मुझे ऐसे ग्रे फील ग्रे कलर में चाहिए है, लेकिन आई एम जस्ट स्केर्ड कि ये मुझे गर्दन पे बहुत, मैंने बोला कि ये वाली ओढ़ो, हाँ नहीं वो तो आपकी न्यू है, नहीं, नहीं, कोई नहीं होगा, अभी पता चल जाएगा आपको चुभेगा, हाँ। ये दिन में ऐसा था, हम आई विश रोशनी में ही आए होते, अब हम जा रहे हैं सिंध पवेलियन, और माय खुस्सा वाला भाई मैंने उसको फोन किया, ये खैबर पवेलियन से अब हम गुजर गए हैं, आई थिंक ये देख के आइएगा जिससे हमने शॉले वगैरह ली, बहुत ही क्राउडेड है, बहुत ही, और ये अभी हम थर्सडे पे आए हैं, वीकेंड पे तो क्या ही होगा, लुक एट हिज डेकोरेशन, वाओ, सॉरी गाइज रश इतना है कि आई डोंट नो हाउ एल्स टू शो यू, बट लुक हाउ ब्यूटीफुल, यहाँ तो मामा हो तो उनको बड़ा मज़ा है, लवली, ये ट्रेडिशनल बैग्स, नहीं बैग हमें नहीं चाहिए, कुंडी वर्क, व्हाट इज कुंडी वर्क, बड़ा कुछ बंदा अपने कल्चर के बारे में सीखता है ऐसी जगहों पे आके, यू मस्ट कम, लाइक यू मस्ट कम, कलरफुल मोर वाला, और वो कह रहे हैं फाइनली 10, ठीक है वो देखें, वो भी कुछ बना रही है, क्या बना रही है, मगर चादर बना रही है, हाँ चादर बना रही है, पता नहीं उधर तो कोई गवर्नर साहब आ गए हैं, रस्सियाँ देख के टाप लें बस, लुंगी एंड खेस, वाओ गाइस आई लाइक दिस वन अ लॉट, आई विल कट द पिंक पॉम पॉम, तो समय ये या रेड, ये जो नहीं ये वाला, अम्मा को भी मैंने कुछ पे लगा दिया, पता हो ब्लू या कैसे, ब्लू कौन सा बताएं, लेकिन ब्लू सामा जीन्स पे, जीन्स के साथ मुझे तो पता नहीं क्यों वो रेड वाला अच्छा लग रहा है, सामा भी रेड के साथ जाएगा, रेड वाला, कौन से गवर्नर साहब हैं आ गए हैं तो उन्होंने तो फुल प्रोटोकॉल के साथ सबकी शॉपिंग इंटरप्ट कर दी है, हाँ जी बाबू अम्मा किधर, ये देख रहे हैं ये कुमार भाई हैं और ये उनका खुस्सों का स्टॉल है, यहाँ मैं आई थी बट वो कह रहे हैं कि वो वाले खुस्से जो आपने मंगाए वो मैं आपको TCS करूँगा, सो मैंने नहीं लिए, बट यू कैन कम हियर शो हिम माई पिक्चर और टेल हिम माई नेम महा हील टेल यू एंड देयर गॉर्जियस खुस्से एंड देयर लाइक मलाई, ऑब्वियसली थोड़ा सा पाँव ब्रेक इन होने में टाइम लगता है बट स्टिल, एनी वे दिस इज सिंधी पीपल, आई एम सिंध गर्ल, ओ लेट्स लुक एट दैट पिंक आउटफिट ओवर देयर,
उसामा पीछे पीछे कुछ देखते हुए आ रहे हैं। मुझे एक ये अजरक का सूट बहुत अच्छा लगा है, बट मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ले तो लूँ फिर मैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं ले ही लूँ। कुछ वाइब आई है मुझे कि मुझे ले लेना चाहिए। ये नहीं, आई वॉन्ट द वन दैट्स ऑन सिल्क। अभी ढूंढ के दिस इज़ व्हाट आई वॉन्ट। लेकिन अब ये बोलेगा ये सिर्फ लटकाने के लिए लगा हुआ है। पूछूँ क्या फाइनल प्राइस है? ये बहुत खूबसूरत है। एक ये भी, और ये जो आपने गले बनाए ना ये भी, लेकिन ये किसी प्लेन उस पे नहीं है, ये प्रिंट पे बने हुए सिर्फ। ये ट्रेडिशनल है ना। हाँ तो प्रिंट ही होता है जी। ये प्लेन में इस तरह होंगे, ये वाला है प्लेन में। कहाँ पे? ओ हाँ, आपका कोई कार्ड है? आप मुझे अपना कार्ड अगर दे दो उसमें फिर मैं थोड़ा चेंजिंग करके बनवा सकते हैं। वो यही बनेगा फिर भी। ओ थैंक यू, बहुत शुक्रिया। Guys, it's like I'm back in Karachi, honestly, with all the Sindhi stuff. I'm so happy about it. And there's this chudiyon wala also. Look at the chudiyon. So many nice, beautiful chudiyon. Aur wo jo pink tha na, mujhe itna pasand aaya. She was saying 25,000, but itna khoobsurat hai. Samajh nahi aa rahi ki kya karun. Soch rahi hu. Guys, there's live block printing ho rahi hai. This is block printing one, yeah. हाँ ये कर रहे हैं ना। हाँ एक्चुअल वाला नीचे वो उसने किया है, वेरी नाइस। और उसी को कर रहे हैं गोल्डन और इसके साथ। इवन दिस बर्ड स्टफ। अब किस वाले में जाके देखें? इसके पास ये देखो, वेरी नाइस। लेकिन ये देखो हाथ ने बना ली हुई। हाँ वो जो बना नहीं रही। हाँ यहाँ बन रहा है। हाउ लवली। देखिए पूरी पूरी अपनी खुटी लाए हैं साथ सिंह से और बना रहे हैं। हाँ ऑप्शन भी हैं। और माई सास इज फुल शॉपाहोलिक, लाइक शी लाइक टू गो एंड सी एवरी, इट्स सो नाइस, लाइक शी गोज इन एवरी स्टॉल। हाँ जी लेट्स लुक एट हिज ड्राइंग स्किल्स, हाउ नाइस। दिखाओ मुझे, दिखाओ। मंकी बनाया है, वाओ वेरी नाइस, वेरी नाइस। लाइक दिस ऑल मोज़ेक आर्ट, और वो बना भी रहे हैं एक्चुअली बैठ के। हाउ नाइस इज दैट। ये पता है आउटडोर के लिए दिस इज परफेक्ट, दिस विल लास्ट एवरी सीजन। आपका कोई कार्ड है? सो आई कैन शो दैट ऑन। थैंक यू। इफ यू गाइस वांट मोज़ेक स्टफ देन यू कैन लुक हाउ नाइस दिस इज। या अपने आउटडोर अपने गार्डन वगैरह में कुछ हैंग करना हो या लगाना हो, ये कुछ भी इसको नहीं होगा, ऑल सीजन दिस विल लास्ट। वेरी नाइस पपेट शो हैपनिंग, हाउ एपिक। ओह माय गॉड आई एम ऑब्सेस्ड। ओह माय गॉड आई वांट टू बाय दीस, दे आर लिटिल क्रीपी बट दे आर सो कूल। वो कुछ कुछ करने लगी है शायद साथ साथ। Guys, look, that's for the bride. How lovely. Yeah, same. Oof, I love Balochi clothes. I love, love, love Balochi clothes. ऐसे वाले भी और जो यहाँ पे लगे हुए ना, जैसे ये red है, ये I love them. किसी के पास हों बहुत अच्छे से वाले बड़े पुराने वक्तों के, मुझे ज़रूर बताइएगा please. I absolutely love them. पीछे sorry guys, बहुत शोर मचा हुआ है। उफ वो वाला white with red कितना खूबसूरत है। हाँ बैग के ऊपर वो लगाए मोटिव। गाइस यू रिमेम्बर माय टी शर्ट, वो मुझे सचिन बंदीक से, ये कितने खूबसूरत हैं इनके देखो क्या। हाँ नाइस। ओके गाइस टाइम फॉर एग्जिट नाउ, अब थोड़ा डिनर का टाइम शुरू हो रहा है तो बस। नहीं शॉल नहीं चुभी, लेकिन मैं आपकी बोरो करके पहन लूँगी। शॉल मैंने पहनी हुई गाइस उस वक्त से, लेकिन वो चुभी वाकई नहीं, बट फिर मैंने सोचा कि इट्स फाइन आई विल जस्ट। वेरी प्रिटी वाइब्स, आई लाइक कमिंग टू सच प्लेसेस, मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसी अपने कल्चर की चीज़ें देखने में और आप लोगों को भी दिखाने में। अच्छा हम आ गए हॉटपॉट खाने में। सामा का जितना फ्लू है ना इस हॉटपॉट से खुलेगा अब। सारा सारा नहीं, इसकी स्पाइस से ही खुल जाएगा, सब फिट हो जाएगा अभी। हेलो गाइस, वी आर बैक होम। आई एम सो टायर्ड, लाइक पहले भी थी घर से जाने से पहले भी थी, बट अब नाउ आई एम इवन मोर टायर्ड। बट आई हैड अ ग्रेट टाइम, आई सॉ सो मेनी ऑफ यू एंड क्या कहते हैं, सो मेनी लाइक एट द स्टॉल्स,
जस्ट उफ बहुत मजा आया मुझे, मतलब लाइक मुझे इस तरह की जगह बहुत पसंद है। आई नो बहुत क्राउडेड हो जाता है, सॉरी गाइस, साथ साथ चाय बन रही है, स्टीम तो आपको नजर आई गई होगी। आई नो बहुत क्राउडेड हो जाता होता है एंड दैट इज व्हाट गेट्स टायरिंग। लेट मी हैंग यू अप हियर, देयर यू गो। लेकिन अपने कल्चर की चीज़ें देखना, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखना, डिफरेंट डिफरेंट जगहों की देखना बहुत मज़ा आता है। और मैं तो ख़ास खुस्से वाले भाई के लिए भी गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे साइज़ में उसके पास थे नहीं, और वो जो मैंने मंगाए थे वो लाना भूल गया। एंड आई अंडरस्टैंड, ही सेड के बाद ही जब हम एग्जीबिशन वगैरह के लिए दूर किसी जगह के लिए पैक कर रहे होते ना, तो उस टाइम हमारे जहन में नहीं रहता। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब मुझे TCS कर देना, तो अब मैं अपने खुद से तो मेरे वो TCS करेंगे, तो आप लोगों को तभी दिखा सकती हूँ। बट मैं साइज़ दोबारा रीचेक करके वहाँ बैठ के पहन के देख के आई हूँ, सो साइज एंड एवरीथिंग विल बी फाइन इंशाल्लाह। एंड देन आई बॉट वन अजरक सूट, लाइक अ सिल्क शमोस अजरक का सूट मैंने खरीदा, बट वो मैं भी आपको दिखाना नहीं चाहती बिकॉज आई हैव अ होल विजन फॉर इट। लाइक मैंने उसके साथ पूरा प्लान किया है कि मैंने उस पर किस क्या काम बनवाना है, उसको किस तरह सिलवाना है, उसके साथ क्या मैचिंग करनी है, क्या नहीं करना। सो वो मैं थोड़ा सा मामा के साथ डिस्कस करके फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि उसके साथ मैंने क्या करना है। दिस इज माई लुक, दिस इज माई एथनिक जैकेट, लेट मी गो बैक, कैन यू सी गाइस, दिस इज माई लवली एथनिक की जैकेट, दिस इज माई डायसन से हुए बाल, जो कि अब आप देख सकते हैं कैसे लग रहा है कि मैं स्ट्रेट करके गई थी। सो या मैंने खैर चाय बनाई उसके बाद, हाँ फिर हम लोग उस वहाँ से होके माई मदर इन लॉ, उन्होंने खरीदी एक वाइट शॉल जो मैं पूरा टाइम एग्जीबिशन पे पहन के घूमती रही टू टेस्ट के वो गर्दन पे चुभती है कि नहीं, नहीं चुभी टू बी ऑनेस्ट, इतना नहीं चुभी, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं हुआ कि मैं भी लूँ, तो वो बहुत दूर रह गया था स्टॉल, तो फिर मैंने कहा जस्ट व्हाटएवर। और एक उन्होंने बड़े मज़े का सूट खरीदा, मैंने अपना वो सिल्क वाला सूट खरीदा, एक सेम जो मैंने सूट खरीदा है वही सेम सारा के लिए भी लिया है, मगर उसके लिए माइन इज़ अ टू पीस, लाइक इट्स अ शर्ट एंड अ दुपट्टा, और साथ में पैंट्स अपनी बनवाऊंगी। सारा इज जस्ट द शर्ट फैब्रिक, तो उसकी सिर्फ शर्ट बनेगी। एंड एक्चुअली सर मैं यहाँ से पकड़ाते हो, मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ मैं क्या ही गेट कीपिंग करूँ, लाइक एवरी टाइम आई थिंक आई कीप सम सरप्राइज एंड देन इट नेवर। नहीं दुपट्टा दिखाएं, ये शर्ट जमीन पे तो ना लगाओ यार, मतलब कोई कदर ही नहीं है, वो दिखाओ दुपट्टा। गाइज रुके, सेम टू सेम नहीं है ना, आप लड़कों को क्या पता सेम टू सेम। गाइज दिस इज द, छो ही ना जाए, ओके दिस इज द दुपट्टा ऑफ द सिल्क शामोस सूट दैट आई बॉट, इट्स सो ब्यूटिफुल, इट्स गॉट दिस रिंग्स टाइप पैटर्न एंड देन द एजेस आर रेड, आई डोंट नो हाउ टू शो यू लाइक फ्रॉम हियर, इट्स लाइक दिस, इट्स वेरी वेरी खूबसूरत, वेरी 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 खूबसूरत। और ये मैंने, दिस वॉज 15,000 ही सेड, ये इस तरह, ये देखें इसकी जो शर्ट है ना वो पूरी ये है जो इस तरह सिलेगी, और उसके नीचे नीचे रेड बॉर्डर्स होंगे वो बस, लेकिन अभी आई हैव अ होल विजन, सो जब बनेगी फिर आपको दिखाऊंगी। बट ही कोटेड 15,000, फिर वो कम होता 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 वी पेड 10 फॉर माई सूट विच इज़ टू पीस, लाइक दिस इज द दुपट्टा, इसके नीचे पूरा ये रेड रेड ऐसे है, एंड माई शर्ट इज ऑल जस्ट ब्लैक डॉट्स and I love it, the fabric is so premium, so beautiful. और ये उसामा क्या कर रहे हैं, please don't throw things down. तो बहुत खूबसूरत है, और सारा वाला जो है ना वो बेसिकली उसके पास इस सूट की शर्ट नहीं थी, वो मतलब सिम से जब वो आया है ना बंदा, तो वो लेके नहीं आया या क्या उसके सब कुछ हुआ, तो वो सिर्फ मैं आपको बताती हूँ एक मिनट, जैसे कि है ना दिस इज द शर्ट, इसका सिर्फ ये रेड इतनी सी एजिंग है, ठीक है, जो सारा का वाला लिया है ना वो सिर्फ ये है, लाइक इतना ब्लैक पार्ट और फिर बाकी रेड, तो वो कुछ इस तरह करके शर्ट बनेगी। तो वो कह रहा था कि वो कुछ उस वो कोई दुपट्टा आ गया, और वो दुपट्टा भी 2 गज का उसके पास आ गया, वो प्रिंटिंग में कोई इशू हुआ या क्या, तो वो उसके पास बस इसी का ना एक वो पड़ा हुआ था, तो माई मदर इन लॉ बॉट दैट फॉर सारा के, एक तो सारा की हाइट इज मच शॉर्टर देन माइन, तो उसकी वो फुल लेंथ शर्ट ही बन जाएगी, एंड देन वो इतना कोई प्रॉपर फॉर्मल दुपट्टा वपट्टा वाला वाइब नहीं है, वो साथ कोई ब्लैक मैच कर लेगी। सो वो हमें पड़ा था 4,000 का, ये पड़ा है 10 का, बिकॉज वो इट्स स्मॉलर पीस है, ये पूरा सूट है, बट स्टिल लाइक अ लिटल ऑन द प्राइसियर साइड अगर आप देखें, बट मुझे बहुत अच्छा लगा था तो फिर मैंने खरीद लिया। और इसको मैं प्रॉपर लाइक इवेंट्स, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ घर का सूट या कोई ऐसी चीज़, दिस इज आई एम प्रॉपर गोइंग टू गेट इट मेड फॉर लाइक इवेंट्स वगैरह, सो आई हैव अ होल विजन फॉर इट। एक तो वैसे ही सिल्क है तो इट्स वेरी प्रीमियम फैब्रिक, आई एम गोइंग टू गेट मैचिंग ब्लैक पैंट्स विद इट, एंड देन आई एम गोइंग टू गेट सम काइंड ऑफ, आई एम जस्ट आई हैव अ विजन गाइज, लाइक मैंने, मुझे पता है कि मैंने जो इसकी बाजू में बनवानी है वो इस तरह की स्क्वेयर खुली बाजू होगी विद लाइक मरून पाइपिंग, लाइक देर इज अ होल विजन, इज आई हैव अ वेरी इकबाल हुसैन विजन लुक इन माई माइंड, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। औरंगजेब भाई से मैं
ओके सॉरी औरंगजेब भाई से मैं ये बनवा लूंगी, बट लेट मी शो यू अप क्लोज, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स लाइक सॉफ्टेस्ट सिल्क एवर. सो ये मैंने तो सिर्फ एक चीज खरीदी थी, खुद से TCS हो जाएंगे. बाकी इज माई मदर इन लॉज, दिस इज माई कप ऑफ चाय. अब मैं जा रही हूँ ऊपर सबके साथ बैठने के लिए. ओ अ लॉट ऑफ यू वर आस्किंग कि गाजी का गिफ्ट जो था वो गाजी का गिफ्ट डिलीवर हो गया गाइस. दिस इज व्हाट ही वांटेड सम, ये कोई जीरो कंपनी की वॉच है, उसको अपनी फिटनेस ट्रैकिंग के लिए चाहिए थी. तो हमने कहा कि आजकल मतलब आपने देखा ही था जो अब्बा का हमने सूट खरीदा था, दैट वॉज 7,850. सो आई गेव हिम दैट मच ही बजट. मैंने कहा गाजी ये तुम्हारा बजट है, सूट मुझे पता है तुम पहनोगे नहीं, तो तुम बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए. यू वांट अ पोलो शर्ट, यू वांट अ जैकेट, व्हाट यू वांट. सो ही सेड कि नहीं आई वांट दिस घड़ी. सो ये घड़ी उसने खरीदी है, बिल्कुल एग्जैक्ट 8,000 की हमें ये पड़ गई. तो हमने कहा चलो ठीक है कोई मसला नहीं है. तो ये उसने, और वो बहुत खुश है सुबह से जब से ये डिलीवर हुई है. देखें वो अपनी दूसरी टिसो की घड़ी है उसकी, ये उतार के, नहीं ये तो उसामा की घड़ी है, ओ ये तो मेरे मियाँ की घड़ी है, उसकी भी घड़ी यहीं कहीं होगी, उसकी गाजी की इस तरह की ब्लैक है. तो वो ब्लैक उतार के रख के सुबह से ये वाली पहन के घूम रहा है हर जगह. सो सॉरी मैं गिरने लगी थी. सो या एनीवे गाइस मैं ऊपर जाके सबके साथ बैठती हूँ, फिर उसके बाद आपसे दोबारा आके मिलती हूँ. जी गाइस बुलटू सर बहुत बिजी हैं अपनी ट्रीट खाने में. बुलटू ने मुँह ही मोड़ लिया, उन्होंने मुझसे पहले कोई मांग ले मेरी ट्रीट, मुँह ही मोड़ता. बुलटू नॉट इंटरेस्टेड गाइस. ये है मेरा खूबसूरत सा सूट, इसको मैं संभालने जा रही हूँ. दिस इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल इंशाल्लाह. जो बिखेरे हुए हैं गाइस वो तो अभी बस क्या ही कहूँ, दिल ही नहीं है कुछ समेटने समाटने का मेरा. बट आई हैड टू टेल यू ओ माय गॉड. अच्छा सॉरी आप लोगों से, मुझे अब नाम याद नहीं है किसने पूछा था, बट समबडी टू पीपल आस्क्ड कि वो आपने कौन से परफ्यूम बताए थे रसासी के. तो ये सामने ही पड़े कज़ेबे में लगा के गई थी. ये लें, ये तो बॉक्स है, इस पर तो नाम ही लिखा हुआ. कहाँ लिखा ये, दिस इज द परफ्यूम ला युक्वाम जैसमिन विस्प बाय रसासी. प्लीज बाय एट योर ओन डिसीजन बिकॉज परफ्यूम सब पे बहुत वेरी करता है. तो प्लीज आप लोग जब भी खरीदें, कभी कोई खरीदता है मेरी रिकमेंडेशन पे तो वो मतलब कोई और सा परफ्यूम, ये तो अभी मेरा नया आया है, तो वो कहते हैं बहुत अमेजिंग था जो 90% ऑफ द पीपल से. बट समटाइम्स देयर इज दैट 10% दैट सेज कि नो वी डिडंट लाइक इट, व्हिच इज फेयर कम्प्लीटली बिकॉज सेंट बहुत एक पर्सनल चीज़ है, लाइक बहुत पर्सनल. सो आई पर्सनली लव इट एंड माय हस्बैंड लव्ड इट ऑन मी. बहुत खूबसूरत है. इसकी स्टोरी बेसिकली गाइज ये है कि जब मैं दुबई गई, हाय बुलटू, बुलटू ने ट्रीट खा लिया, बुलटू गया कि भाई मेरे साथ खेलो. ये आ गया, चलो भाग जाओ बेड से, चलो भाग जाओ यहाँ से, चलो अपने बेड पे जाओ. तो सॉरी गाइस दिमाग इधर उधर हुआ है. सो बेसिकली इसकी स्टोरी ये है कि जब मैं दुबई गई थी, आप लोगों को शायद वो व्लॉग याद हो, एडिट में याद हुआ तो यहाँ डाल दूंगी. तो मैंने उसामा के लिए ऑब्वियसली एक प्रेजेंट लेना था, तो उस प्रेजेंट में मैंने उसामा के लिए लिया था रसासी से ला युक्वाम टोबैको ब्लेज. मैं आपको दिखाती हूँ वो कौन सा है. और रसासी का मुझे बताया किसने था, मुझे बताया था मुबीना की बहन फातिमा ने. दिस वॉज उसामास ला युक्वाम टोबैको ब्लेज. और मेरा वाला है वहाँ पीछे पड़ा हुआ पर्पल. बेसिकली मुझे फातिमा ने बताया था, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड मुबीना. बेसिकली मुझे फातिमा ने सुंघाया, मतलब फातिमा जो लगाती थी परफ्यूम, आई वॉज लाइक अब्सेस्ड विद इट. तो मैंने पूछा कि कौन सा है, शी टोल्ड मी अबाउट रसासी. फिर उसने मुझे अपनी बॉटल दे दी, वो लगाती है वाइट मास्क, ठीक है. फिर जब मैं दुबई गई, तो दुबई में मैं आप लोगों को पता है एक बहुत हाई पॉस्ट किस्म की शादी पे थी, विच हैड लाइक सोनू निगम सिंगिंग इन इट एंड और उन्होंने कहा था अभिषेक सावंत एक थे, उन्होंने सिंग किया था. बहुत पॉश, बहुत क्रेजी वेडिंग थी. सो वहाँ पे एक शेख टाइप अंकल थे, ऑब्वियसली वो शेख थे या कौन थे मुझे नहीं पता, बट ही वॉज इन दैट लाइक फुल सऊदी अटायर एंड ही वॉक्ड पास्ट मी एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड ही स्मेल्स लाइक ओ माई गॉड. तो मैं उनके पीछे 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 गई एंड आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी आई एम सो सॉरी बट लाइक कैन यू प्लीज टेल मी द परफ्यूम यू आर वेयरिंग, आई वांट टू बाय इट फॉर माय हस्बैंड. तो उन्होंने मुझे बताया कि आप रसासी पे जाएं और ला युक्वाम रेंज देखें. मैंने कहा ठीक है, ये स्टोरी मैं शायद आपको पहले सुना चुकी हूँ. फिर खैर अगले दिन मैं मॉल ऑफ एमिरेट्स गई, वहाँ पे मुझे रसासी का काउंटर नजर आया. मैं वहाँ गई, मैंने उसके सूंघे, उसने मुझे 3-4 ला युक्वाम के सुंघाए, बट दिस वन टोबैको ब्लेज इज वट स्टक इन माई हेड. आई वॉज लाइक ओ माई गॉड ये बहुत खूबसूरत है. तो मैंने बहुत खूबसूरत तो मैंने ये खरीद लिया, बट ऑब्वियसली दिस वॉज एक्सपेंसिव. इट कॉस्ट मी अराउंड लाइक 25-ish के, आई डोंट नो, लाइक मुझे अब याद नहीं, डोंट कोट मी ऑन इट. बट मतलब था थोड़ा सा ना, मुझे लगा कि अच्छा ये ज़रा प्राइसियर साइड पे चला गया, बिकॉज मेरा वाला तो 70 dirham का भी नहीं था बेयरली. तो फिर मैंने जब उसने मुझे ये वाला फीमेल वाले सुंघाए, तो मैंने कहा कि नहीं आई एम जस्ट गोना बाय वन, एंड मैंने अपने लिए दूसरा वाला ले लिया. फिर ये मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था, बहुत टाइम से था, बहुत टाइम से था. फिर मैंने अपनी दोस्त से मंगाया, वो मेरे लिए लेके आई, मतलब ऑब्वियसली आई पेड हर, बट वो मेरे लिए लेके आई, शी कैरीड इट फॉर मी.
अब जब मेरे इन लॉज गए तो फिर मैंने उनसे कहा कि यू नो दे आस्क मी व्हाट प्रेजेंट यू वांट एंड आई वाज लाइक आई थिंक आई वांट दिस बिकॉज दिस इज माय फेवरेट सेंट एवर और ये मैं बहुत सोच सोच के लगाती हूँ. सो अब ये मेरा है और ये साथ वाली बोतल उसामा की है. दीज आर वेरी 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 लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स बिकॉज दीज आर अरेबिक परफ्यूम्स. आई डोंट नो इनका क्या सीन है, इनमें ऊद होता है क्या होता है, पर ये बहुत देर थे कपड़े धो दो तो भी नहीं जाते. सो दिस इज उसामा. आप अगर मेरे मियाँ की अलमारी खोलें ना आपको हर शलवार कमीज में से ये खुशबू आएगी बिकॉज वो इतना लगाता है इनको शलवार. दिस इज हिज शलवार कमीज सेंट बेसिकली एंड ही पुट्स इट ऑन एवरी शलवार कमीज एंड देन धो भी लो कुछ भी कर लो ये अब उसके कपड़ों में एम्बेड हो गई खुशबू. और मेरा वाला जैस्मिन विस्प अब मैं लगाना शुरू हुई हूँ एंड इट्स सच अ बेरी जैस्मिन विंटरी खुशबू. उफ बहुत खूबसूरत है. इसके नीचे बस अरबिक में जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ नहीं सकती तो मैं आपको अभी बता नहीं सकती नोट्स बट इट्स वेरी नाइस आई लव इट. एंड खुशबुओं से मैं आप लोगों को पता नहीं कौन से उस पर लेके चली गई टेंजेंट पे बट खुशबुओं से आई हैव टू टेल यू दैट माई बेस्टी मोब्स ऑल्सो सेंट मी कैंडल्स एंड दिस कैंडल डार्क वेलवेट ऊद इफ यू हैव नॉट स्मेल्ड इट प्लीज प्लीज ट्राई एंड गो टू योर नियरेस्ट बाथ एंड बॉडी वर्क्स एंड चेक इट आउट बिकॉज हमने ये एट अ रिस्क ली थी. मैंने उसको अपने सेंट्स बताए थे कि मुबीना ये वाली लेके भेज देना प्लीज. उसने जाके लिया फिर उसने ये सूंगा उसने कहा यार ब्रो मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है ये देख लो तो मैं एक समझ आ रहा है. मैंने कहा ब्रो ले लो ठीक है. एंड ऑनेस्टली इट इज़ नॉट अ समर सेंट आई टेल यू. पता नहीं मेरे जहन में ऊद समर से रिलेट नहीं करता. ऊद इज़ वेरी हैवी वो मुझे विंटरी लगता है. दिस इसके नोट्स लिखे हुए हैं रिच क्लोव रोज वाटर सैंडलवुड एंड ऊद ऑफकोर्स ठीक है. दिस स्टफ स्मेल्स लाइक ओ माई गॉड लाइक अ वेरी फैंसी अरबिक हाउस लाइक अ वेरी गोल्डन अरबिक हाउस इज वट दिस स्मेल्स लाइक. इट स्मेल्स सो नाइस. और अभी मैंने बर्न भी नहीं की मैंने लिटरली सिर्फ इसको खोल के रखा हुआ है कमरे में ऐसे बस लिड उतार के और इतनी खुशबू है कमरे में इट स्मेल्स डिवाइन. जो दूसरी है वो तो आप सबको पता होगा अभी तक एवरीबडी एंड एवरीबडीज ग्रैंड मदर हैज दिस कैंडल बट ऑब्वियसली ये इतनी अच्छी है कि एवरीबडी गेट्स इट. दिस इज द महागनी टीकवुड इंटेंस ठीक है हाई इंटेंसिटी. ये वाली जो है ये उसामा लव्स दिस ही लव्स लव्स लव यूजिंग इट. सो दिस इज फॉर हिम कि अगर उसको अपने ऑफिस में रखनी है या जो भी करना है पता नहीं क्या अंदर आया हुआ. सो दिस इज फॉर हिम बट दैट डार्क वेलवेट ऊद दैट इज जस्ट मार्वलस आई लव इट. तो अगर आप कोई नया बाथ एंड बॉडी का सेंट चेकआउट करना चाह रहे हैं फॉर विंटर्स प्लीज चेक डार्क वेलवेट ऊद आउट यू आर गोना लाइक इट. बहुत इतर स्टाइल है ऑब्वियसली बिकॉज इट्स ऊद. तो अगर आपको ऊद नहीं पसंद तो प्लीज डोंट बाय इट बट अगर आपको ऊद टाइप चीजें पसंद हैं फॉर विंटर्स ग्रेट परचेस. मुझे ना थोड़ी शर्म आ ही गई तो मैंने कहा मैं कपड़े समेट ही लेती हूँ. तो अब ये देखें लकड़ी के डब्बे पे से उठा दिया सारा सामान बेड पे आ गया और अब बस मैं इनको समेटूंगी देन आई एम गोना चेंज. सो लेट्स गेट डाउन टू इट. अच्छा अब यहाँ पे तो ये वो कपड़े हैं जो लटक गए इनके हैंगर में डाल दिया है. इफ़ यू गाइस हैव स्पेस इश्यूज लाइक आई डू दिस इज द बेस्ट हैक आई कैन टेल यू. पुट योर जैकेट्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर लाइक अंदर मैंने ट्राउजर्स लटकाई हुई हैं जो मैं जैकेट्स के साथ ही पहनती हूँ एंड देन वन जैकेट देन दी अदर देन दी अदर. सो इस तरह से हैंगर भी कम यूज़ होता है और बहुत स्पेस बच जाती है बिकॉज आई हैव टोल्ड यू गाइस लाइक दिस रूम हैज़ 3 अलमारियाँ. ये फोल्डेड वाली है ये लटके आने वाली है इवन दो आई हैव अ होल वॉक इन क्लॉजेट अपस्टेयर्स और अब आप लोगों ने देखी भी है बट जो इमीडिएट इंस्टेंट कपड़ों के लिए होता है वो तो यही होता है. सो इसमें फिर लटकाती हूँ जब मैं क्योंकि अभी आजकल विंटर आया हुआ है तो ये तीनों जैकेट्स वो वाली हैं जो मैं बार बार अब पहनना चाहती हूँ. लाइक ये तो मैंने रोज़ पहनी होती है ये भी मैंने हर अदर एवरी अदर डे पहनी होती है. ये मैंने आज निकाली थी पहली दफ़ा पहनी है बट आई लव्ड इट आई गॉट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स माय मदर इन लॉ लव्ड इट ऑन मी. तो ये अब इस तरह मैंने लटका दिए ठीक है. अच्छा दूसरा आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे तो मैं फ्लड हुई भी थी पूछा था फैब्रिक का. गाइस दिस इज ऑर्गेंजा एंड इट्स वेरी गुड ऑर्गेंजा इट्स नॉट दैट गंदा ऑर्गेंजा ठीक है. और ये जो फैब्रिक है ना मुझे नहीं पता है क्या फैब्रिक है. इट्स सम लवली सीक्वेंट फैब्रिक बट द सीक्वेंस इज नॉट उभरा हुआ इट्स वेरी फ्लैट. ये देखें उभरा हुआ सीक्वेंस नहीं है ये कपड़े के अंदर ही है कुछ. सो ये उसका येलो का फैब्रिक है जो मैंने पार्टी में पहना था. ये मैंने अब तय करके रख दी बिकॉज आई हैव जस्ट वॉर्न इट. सो ये मैं फोल्ड करके रख रही हूँ और ये मेरा नया खाड़ी वाला है विच आई एम थिंकिंग आई शुड टेक इट ऑफ द हैंगर एंड फोल्ड इट एंड पुट इट अवे क्योंकि लॉन का तो बिल्कुल सीजन नहीं है. ये मेरा सफायर वाला है जो आप लोगों ने बहुत लोगों ने पूछा कि आपने क्यों नहीं पहना पार्टी पे बट गाइज ऑब्वियसली लाइक ये इतना प्लेन है और ये कितना हसीन है. तो जब मुझे शीन स्टूडियो से ये आया तो मैंने कहा ऑब्वियसली दैट वन. तो ये भी हैंगर पे ही लटका रह गया. ये उन्होंने फिर जो मुझे पिंक भेजा ये मैं इंशाल्लाह वेरी सून आप लोगों के लिए स्टाइल करूंगी. अगेन शीन स्टूडियो वेरी वेरी ब्यूटीफुल लवली फैब्रिक लवली काम लव द कलर. अगेन शीन स्टूडियो ये भी अभी नहीं पहना. ये मेरी एक बहुत पुरानी फॉरएवर 21 की जैकेट बहुत 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 पुरानी और ये एक ड्रेस है जो मैंने सिलवाया था पर कभी पहना नहीं. एक दफ़ा पहना होगा पेयरली एक दफ़ा तो अब मैंने निकाला है कि विंटर में इसको ज़रा पहनते हैं. बहुत क्यूट है मैंने खुद स्टिच करवाया था एंड आई एक्चुअली रियली लाइक इट.
आई जस्ट डोंट नो व्हाई आई नेवर ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स वेयरिंग इट, बट अब मैं पहनूंगी, मैंने निकाल लिया है. सो ये हैं वाइब्स, ये मैं डेफिनेटली हैंगर से उतारने वाली हूँ. एंड देन ये कुर्ता, ओ ये उसकी बेल्ट ड्रेस की. एंड देन दिस कुर्ता हैज़ अ स्टोरी, अभी इस्त्री होके आया है. ये वो पहला कुर्ता है जो उसामा ने मुझे ख़रीद के दिया था, ये ज़हा का है. और मेरी मंगनी के बाद उसामा ने, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग ही एवर बॉट मी, सो मैं आई लव इट. इसके यहाँ वो होते थे टैसल्स 3 एंड आई टुक दोज ऑफ क्योंकि वो धुल के ना ऐसे यूं यूं करके हो गए थे. बट दिस इज़ द लिटरली द फर्स्ट कुर्ता ही एवर बॉट मी. एंड देन दिस इज़ द सेकेंड कुर्ता. उसी दिन हम लोग फिर ज़हा का डिफरेंट ब्रांच होती थी वहाँ गए, तो उसने मुझे ये ख़रीद के दिया. फिर हम उसके बाद डॉलमेन मॉल गए, वो कराची आया हुआ था उसामा मंगनी के बाद मुझे मिलने. उसके बाद हम डॉलमेन मॉल गए, एंड रियली लाइक दिस ऑल्सो, एंड आई वॉज लाइक बींग ऑल शर्मीली, एंड आई वॉज लाइक नहीं नहीं अभी तो हमने एक लिया है वो भी ब्लू है. एंड देन ही वॉज लाइक नहीं है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये भी लेते हैं. सो दीज आर द फर्स्ट टू, लाइक जो मेरी पहली शॉपिंग उसामा ने कराई थी. ये मैंने इसका फॉर सम रीज़न मैं बस एक्स्ट्रा ही ध्यान रखती रहती थी तो मैं पहनती ही थी. अब ये मैंने निकाले हैं कि ये दोनों भी मैं पहनूंगी. एंड आई स्टिल वेरी मच लव दिस कुर्ता, दिस वॉज हिज चॉइस बट आई स्टिल वेरी वेरी मच लव इट. सो अब ये भी ये हैंग करती हूँ, ये उतार के आई थिंक आई एम गोना पुट इट इन द ट्रंक बिकॉज इसका अभी कोई पर्पस नहीं है. ये इतना पतला लॉन है कि ये अभी नहीं पहन सकते. सो प्रॉब्ली दिस इज गोना गो, ये वाला कपड़ा इज परफेक्ट. ये तीनों लटकाते हैं. And then I just need to tackle this corner and then we should be done. ये मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ. अगर आप लाहौर से हैं या कराची से, यू वुड नो ऑफ दिस बुटीक कॉल सूजन कार. इट्स वेरी पॉपुलर दीज डेज. मैं यहाँ पिक्चर्स इंसर्ट कर दूँगी. शी मेक्स ब्यूटिफुल वेलवेट क्लोथ्स. दिस इज़ फ्राम सूजन कार, यू कैन सी दिस इज़ हर टैग. इट्स एज़ बुटीक सूजन कार पाकिस्तान समथिंग समथिंग. दिस इज़ फ्राम वेन शी हैड स्टार्टेड हर बुटीक, और ये हमने तब जाके ली थी. लाइक मैं आपको जब कोई फैशन ब्रांड रिकमेंड करती हूँ ना, आई सिंसियरली मीन इट बिकॉज ऑनेस्टली वी डिस्कवर सम हाउ, आई डोंट नो वेयर गिफ्टेड मामा एंड आई या क्या सीन है, बट ऑनेस्टली वी सी सम बुटीक एंड वेयर लाइक दिस इज गोइंग टू एंड अप बींग अ ह्यूज थिंग. और वो होता है माशाल्लाह से, वो होता है. सूजन कार वॉज नथिंग एट दैट टाइम. लिटरली उन्होंने तब स्टार्ट किया था, इनको कोई बेयरली कोई जानता था. जमजमा में इनका स्टोर होता था. ये हमने तब जाके खरीदा था बिकॉज वी जस्ट सॉ सो मच पोटेंशियल इन हर क्लोथ्स एंड वी थॉट देयर ब्यूटिफुल पीसेज. ये प्योर कॉटन की इतनी ज़्यादा कलियों, यू कैन सी द अमाउंट ऑफ कलीज वाली पिशवास बनी हुई. और उस ज़माने में वो हमसफ़र चल रहा था माहिरा वाला, और उसमें उन्होंने ये पिशवासें पहनी हुई थी. तो ये तब हमने ख़रीदी थी. इसके ऊपर बस थोड़ी सी ये हाथ की इस तरह कॉलर पे कढ़ाई थी, इसके नीचे इसी की मलमल की स्लिप थी, और चूड़ीदार पजामा. आई डोंट नो वो सब कहाँ गया. ये मुझे बहुत ज़माने बाद मिली ये सूजन कार की पिशवास. और ये अब मैंने निकाली है. आई एम थिंकिंग आई एम गोना आस्क कि ये डाई हो जाती है या रिफ्रेश हो जाए वाइट, का जिसका वाइट अब थोड़ा सा वो डर्टी वाइट हो गया है. आई रियली वांट टू गेट इट रिफ्रेश्ड एंड देन मे बी वेयर इट सम टाइम विद सम खुस्से सम नाइस झुमकास. एंड बहुत कलियों वाली है ये, देखें कितने कितना 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 घेर है, एंडलेस घेर है इसका. और इस पर अब ये थोड़े जंग वंग के और ये इस तरह के, ये देखें ब्राउन ब्राउन अजीब निशान लग गए. सो आई रियली वांट टू गेट इट डाइड एंड देन सी व्हाट आई कैन डू विद इट. बट ऑनेस्टली लुक, इट्स लाइक अ विंटेज सूजन कार नाउ, बिकॉज अब तो सूजन कार ये सब चीज़ें बनाती भी नहीं. अब वो बहुत डिफरेंट कपड़े बनाती हैं, और वो कपड़ों की भी वी हैव अ ह्यूज कलेक्शन. मामा ने ओवर टाइम वो कलेक्ट किए थे, कभी आपको दिखाऊंगी. बट दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पीसेज. एंड सरप्राइजिंगली आई हैव द सेम कट फ्रॉम डॉक्टर हारून अगेन व्हेन डॉक्टर हारून वाज नॉट सो पॉपुलर. हमारे तो खैर वो ही वर ऑन फैमिली टर्म्स विद हिम, बट व्हेन ही वाज नॉट सो पॉपुलर उन्होंने भी एग्जैक्ट ऐसी बनारसी मेरी एक पिशवास बनाई थी, इतनी ही कलियों वाली. वो भी मेरे पास आज तक पड़ी है. और अब जब कोई पूछता है ना इसे इट्स डॉक्टर हारून, पीपल से नो इट्स नॉट, यू नो ही डजंट इवन मेक दिस क्लोज गाइज, दे यूज टू मेक देम ईयर्स अगो. लाइक द पीपल हु नाउ डिस्कवर्ड हिम डिडंट नो अबाउट देम. तो इसलिए एक किसी ने, मैंने उस दिन इंस्टाग्राम पे पिक्चर लगाई हुई थी बहुत पुरानी अपनी, तो उन्होंने कहा कि ओ आपने तो नकली बंटो काजमी पहना है. मैं कुछ नकली नहीं पहनती हूँ यू गाइस. मैं जो भी पहनती हूँ या वो ब्रांड असली में वो कोई चीज़ होती है या वो नहीं होती. एंड आई वेरी प्राउडली वेयर होम बेस्ड स्मॉलर ब्रांड बेस्ड थिंग्स. मुझे कोई इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस नहीं है. सो प्लीज़ कुछ फेक नहीं होता, बस वो उस ज़माने का होता है जब शायद आपको नहीं पता था कि वो ब्रांड कौन थे या क्या उनका नाम था, और अब शायद आपको पता चल गया तो आपको समझ. अब जैसे अब ये मैं कभी पहन के कहूँगी ना कि सूजन कार का, पीपल आर लाइक ओह यू आर वेयरिंग सच अ फेक. It's not a fake. This is from when she started her boutique. Like, ये बनता है fake ये tag, मुझे तो आप बता दें. मतलब बंटो का tag बनता है fake, कहाँ बनता है मुझे भी बता दें, मैं भी बनवा लूँ. मतलब I don't wear that kind of stuff, guys. मैं बहुत खुशी से tailor का सिला हुआ भी पहनती हूँ, मैं उतनी ही खुशी से किसी designer का सिला हुआ भी पहनती हूँ. But some of it are just age old pieces which I have been passed on from either my mom or like my khala or my mommy or my sister, and we wear them very proudly. Anyway. ये किसी ने मुझे लिखा था कि आपने फेक बंटो पहना है, तो मेरे दिल पे लग गई थी बात, तो मैं सोचा आई जस्ट एड्रेस इट. बट अब ये हम लटकाते हैं कपड़े
And then let's move on to that towel side and then I'm done hopefully. Hello जी, it is the next day. ये आप लोग vlog इस look वाला मेरा कल देखेंगे, but मैं अभी edit कर रही थी vlog जो आप अभी देख रहे हैं और उसमें outro नहीं था, तो मैंने कहा आप लोगों को आके एक तरफ formally अलाफिज भी कर दूँ और मेरे मियाँ का flow भी सुन लें साथ. आप इतने साउंड इफेक्ट्स देता है ना ये मेरी वीडियोज़ में. एनी वे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप यू गाइज एन्जॉयड द व्लॉग. जो जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे पिछले व्लॉग के, मैंने सबके आंसर दे दिए हैं. कैंडल, रसासी, कपड़े, एवरी सिंगल थिंग. सो आई होप यू एन्जॉयड दिस व्लॉग. इफ यू डिड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक माई चैनल, कॉमेंट, अच्छी अच्छी चीज़ें कीजिएगा. इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जो लुक्स होती हैं उनकी पिक्चर्स वहाँ पर जाकर लगती हैं. एंड डेफिनेटली चैनल फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर दें ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ सकें एंड वी कैन बी अ बिगर यूट्यूब फैमिली एंड देन डू इवन मोर fantastic things together. So please subscribe, press the bell icon and pray for this man and his flu, kyunki ye jo sut sut piche kar raha hai. So anyway guys, subscribe ka button jaldi se daba dein, bell icon daba dein, instagram pe jaldi se follow kar le. I will see you again, tab tak ke liye Allah Hafiz.